हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो कल यार हम लोगों ने ट्राई करा था एक लाइव सेशन रखने का कि इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज डेली लाइव बेसिस पे चलाई जाए, बट नहीं वर्क करा। मतलब अब बोर्ड प्रॉपर विजिबल नहीं था, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। तो अभी वेट करा जाए कि क्या फिक्स करना है क्या नहीं। देखो बहुत सिंपल ज्यादा सी चीजें और उस बेसिस पे चैनल चल रहा है। बहुत सी वीडियो में आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, आज के बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी वाले जमाने में वी आर पीपल जो अभी भी आउटडेटेड है। मतलब मॉडर्न हाई फाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में हम बोले तो गुरुकुल वाला सिस्टम, मतलब इतना डिफरेंस अभी टेक्नोलॉजी बेसिस पे है। बिकॉज आई एम नॉट वेरी प्रो विद द टेक्नोलॉजी, जितना हूं इतना ही है जितना आपके सामने है, राइट? आप देख रहे हो बहुत ज्यादा एडिटिंग और बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती है, और मतलब अगर वहां फोकस करने लग जाऊंगी वो सब चीजें पे टाइम लगाने लग जाऊंगी तो कंटेंट पढ़ना पढ़ाना वो सब नहीं हो पाएगा। सो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में पढ़ते हैं, मतलब नहीं टाइम वेस्ट करते हैं कि लाइव सेशन होगा तभी करेंगे। मुझे कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाना है, सो किसी भी तरीके से पहुंचना चाहिए। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जब भी आप लोगों के पास टाइम हो और लास्ट में ही पढ़ते हो, आप एग्जाम आएगा तभी पढ़ोगे आई नो, बट ठीक है, मैं लास्ट टाइम पे सब कुछ नहीं क्रिएट कर सकती हूँ एकदम से इतना सारा कंटेंट। तो आई एम मेकिंग द वीडियो, मैं धीरे धीरे करके अभी वीडियो कंप्लीट वाली एमए सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट है जिसमें क्वेश्चन आंसर है वो आई होप देख ली होगी जिनकी एग्जाम है, नहीं देखी तो आप देख लो, दैट इज अप टू यू, वो आपको कंप्लीट करनी है। उसमें भी एग्जाम टाइम पे, एग्जाम को जब 10 दिन बच जाएंगे आप लोगों के, तब मैं वहां पे और वीडियोस ऐड करूंगी, तब वहां पे बात करेंगे। बट अभी तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की। देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट जो ओपन से स्टडी करते हैं, आप लोग जो ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ते हो, सेकेंड ईयर वाले बच्चे एमएसओई 1 में आप लोग देखेंगे भी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में ओडीएल एक टॉपिक है। तो जब आप ये चीज पढ़ते हो ना, तो क्या रहता है, जैसे जो रेगुलर वाला बच्चा है वो डेली कॉलेज जा रहा है, क्लास ले रहा है, टीचर से इंटरेक्शन हो रहा है, डिटेल में समझ रहा है, तो उसको काफी चीजें पता होती हैं। बट यू गाइस, अगर आप उतना रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, लास्ट में बस पीवाईक्यूज पढ़े और एग्जाम देने चले गए, तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है जो उन्हें पता है ऑलरेडी। फिर आप बात करते हो कि आपको पीएचडी एंट्रेंस देना है, फिर आप बात करते हो कि आपको नेट जीआरएफ निकालना है, तब आप इधर उधर भागते हो, तैयारी करते हो, और आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती है सोशियोलॉजी में। बहुत सारे ऐसे कॉमन और बेसिक थिंकर होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद ऑल, मतलब आई एम नॉट, मतलब जनरलाइज नहीं कर रही हूँ सारे स्टूडेंट के साथ, बट मेजरली प्रॉब्लम रहती है। सो दैट्स व्हाई आई एम स्पेसिफिकली मेकिंग द वीडियो रिगार्डिंग इग्नू। ऐसा नहीं है सिर्फ इग्नू वाले स्टूडेंट के लिए है, इग्नू का कंटेंट है, डेटा है, लेकिन हर जिस भी आप यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हैं ये आपके काम आएगा ही आएगा। तो आई मेंशनिंग इग्नू, बट यस ये कंसेप्ट और टॉपिक तो आपके हर यूनिवर्सिटी में काम आने वाला है। वे यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी हम पढ़ रहे थे, पार्ट वन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इस वीडियो को भी मैं ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं, 4.1 and 2 एक तरीके से हमारा कवर था, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट 4.3। बुक नहीं है तो बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कीजिए पीडीएफ, मतलब अगर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में नहीं, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ ओपन कीजिए और साथ साथ में पढ़िए, और कुछ शॉर्ट नोट बनाने हैं, देन यू कैन मेक इट। जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के आप लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने प्रॉपर अपने पास बुक रखी हुई है, पॉइंट अंडरलाइन करे हुए, सो दैट कुछ भी चीज ना छूट जाए, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव कंप्लीट लेक्चर का यही है कि मुझे बुक कंप्लीट करानी है। जितना मुझे पता है, जो पता है वो तो मैं समझाऊंगी ही, बट यहाँ पे काम है कि बुक वाला कंटेंट मैं पूरा आपका कंप्लीट करूं। तो 4.3 की जो हेडिंग है, दैट इज फिनोमेना ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी के फिनोमेना पे हमें बात करनी है, एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट फिनोमेना, तो सोशल रियलिटी तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या था। सोशल रियलिटी की जब बात करोगे तो दो नाम, दो एक तरीके से सोशियोलॉजिस्ट के नाम आपको माइंड में रखने हैं, पीटर बर्गर, मैगडी वाला बर्गर नहीं है ये, ठीक है? तो बर्गर सिंह मैगडी वाला बर्गर नहीं है, तो पीटर बर्गर, लीव इट, वेरी लेम जो, प्लस आपके हैं लिपमैन। ये दो नाम हैं जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के रिगार्डिंग वर्क करा। अब देखो ये नाम याद रहेंगे तो जब ऐसे एमसीक्यू वाले एग्जाम दोगे तो माइंड में रहेगा कि ये दो नाम थे जो हमने इग्नू एमए में पढ़े थे कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के रिगार्डिंग बात करते थे। अब ये क्या बोलते थे, देखिए यहाँ पे जो आगे के 4.3 और 4.4 में बोला गया है वो यही बोला गया है कि सोशल रियलिटी ऐसा नहीं है कोई सिखा देगा और आप सीख जाओगे, ये आपकी एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस, डेली जो भी आप क्या करते हो, चीजें ऑब्जर्व करते हो, डेली ऑब्जर्वेशन पे चीजें डिपेंड करती है। प्लस यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक बात बोली कि आपकी जो भी सोशल रियलिटी है वो बनती है ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंसिकल आइडियाज। अब कई बार सुनते नहीं, जनरली हम बोल देते थे ना बात करते करते ये सेंस ही नहीं है क्या, बिल्कुल ऐसी बात की है कि कॉमन सेंस ही नहीं है इस बात का, बेस सिर पैर की बात है, मतलब कुछ भी बोल दिया
ठीक है। आप कह रहे हो सोचो अगर ऐसा हो कि सूरज रात में निकलने लगे और चांद दोपहर में निकलने लगे, ठीक है, तो कोई लॉजिक नहीं, कोई बेस से पैर नहीं, दैट इज लाइक लैक ऑफ कॉमन सेंस बोलते हैं, कोई दिमाग ही नहीं लगा रहे हो बोलने से पहले। तो कॉमन सेंस आइडियाज जो होते हैं और डेली जो आप ऑब्जर्व करते हो वहां से आप एक सोशल रियलिटी बिल्डअप करना स्टार्ट करते हो। सोशल रियलिटी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म, ये सब कुछ होता है आपके बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, जैसे आप घर में रह रहे हो आप वो कल्चर सीख रहे हो, राइट right? आप जैसे ग्रीट कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, खाना कैसे है, ये सब चीजें बच्चा घर से सीखता है, लाइक सोशलाइजेशन जो स्टार्ट होता है, हाउ टू बिहेव, एक्ट, टॉक, सॉरी, तो ये सब चीजें रहती हैं, ये सब भी आपके किस में जाता है, सोशल रियलिटी में जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपकी जो नॉलेज है ना वो दो चीजों से मिलके बनती है। नॉलेज में एक जाते हैं आपकी इंटरैक्शन एंड एक जाता है आपका पार्टिसिपेशन। इंटरैक्शन कैसे, आप देखिए आप डेली बेसिस पे छोटे बड़े जो भी हो, कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, अपने नेबरहुड, आसपास के लोग, अपने रिलेटिव, सबसे इंटरैक्ट तो कर रहे हो ना, तो उस इंटरैक्शन से यू आर लर्निंग और ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग, प्लस पार्टिसिपेशन शो कर रहे हो अपनी। पार्टिसिपेशन मतलब ये नहीं है कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें पार्ट ले रहे हैं, आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो भी एक पार्टिसिपेशन ही है। तो आपकी नॉलेज, आपके इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग द वीडियो और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना इस प्रोसेस में, तो ये भी आपकी नॉलेज एनहेंस कर रहे हैं। तो ये सब आपकी सोशल रियलिटी को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्लियर। अब यहाँ पे बोला गया है सोसाइटी की दो साइड है। देखिए स्टडी करने का देखो कोई भी टॉपिक है उसमें हम दो चीजें बोलेंगे कि स्टडी जो कर सकते हो आप दो बेसिस पे कर सकते हो, वन इज बाय सब्जेक्टिविटी एंड अनदर वे इज बाय ऑब्जेक्टिविटी। अब ग्रेजुएशन लेवल पे आपने सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट तो डिटेल में पढ़ा होगा, वरना नहीं अगर पता है तो मैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको बताऊंगी, तो वहां डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो ईदर यू विल डू द होलिस्टिक इनडेप्थ स्टडी ऑफ द टॉपिक, किसी भी कोई टॉपिक है, कोई चीज है, आप बहुत डीपली उसको स्टडी करते हो, या फिर आप उसके बारे में बस सुनते हो और देट यू विल फ्रेम समथिंग इन योर माइंड कि ये चीज इस तरीके से है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप स्टडी करते हो। तो ये जो रियलिटी है आपकी, आपको ये जानना है कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से नहीं बनती है और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट होल सोसाइटी, प्लस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। मेरे मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मेरे घर पे वर्शिप होती है, मेरे घर पे जो ईटिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, वैसे तो आजकल देखिए कल्चर इतना हाइब्रिड और ग्लोबलाइज चीजें हो गई हैं कि आजकल सबके घर में सब कुछ चीजें बन रही हैं। बिहार से नहीं बिलोंग करते हैं तो भी लिट्टी चोखा खा रहे हैं, पंजाब के नहीं है तो भी खूब छोले भटूरे नाश्ते में बन रहे हैं, गुजरात के नहीं है तो भी ढोकले बन रहे हैं हमारे घर पे, ठीक है, साउथ के नहीं है फिर भी इडली और डोसा सांभर हम पसंद करें, आई लव द साउथ इंडियन फूड। तो ये सब चीजें जो है क्या है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गई क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और ये सब आसान हो गया है, बट सिर्फ खाने की बात नहीं, ईटिंग, ड्रेसिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, मैंने बताया ना ये सब चीजें काउंट होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको एक वर्ड याद रखना है कि यहाँ पे क्या बोला गया कि सोसाइटी इज स्वी जेनरस, ये इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल दोज जो कोई भी सोशियोलॉजी का आगे चल के अगर कोई क्या प्लान कर रहे हो, एमसीक्यू वाला एग्जाम भी प्लान करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटी इज स्वी जेनरस। देखो सबसे पहले तो ये बोला किसने, एमिली डर्केम ने बोला था कि सोसाइटी स्वी जेनरस है। अब स्वी जेनरस क्या है, तो ये एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन भाषा का फ्रेज है, लैटिन लैंग्वेज का है, जिसका मतलब होता है यूनिक, सोसाइटी इज यूनिक इन इटसेल्फ या फिर ऑफ इट्स ओन काइंड, यू कैन नॉट डिफाइन सोसाइटी एक सिंगल टर्म में, आप बोल दो कि ये जो है दिस इज इट, अलग अलग सोसाइटी होती है, अलग अलग लोग हैं तो उनके बिहेवियर, पैटर्न, कल्चर सब कुछ डिफरेंट होते हैं, तो सोसाइटी इज स्वी जेनरस, मीन्स सोसाइटी इज यूनिक, इट इज ऑफ इट्स ओन काइंड, क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे लोगों ने क्या बोला कि हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग पे जो चीजों का इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, वो व्यक्ति विशेष नहीं है, इट इज मेनी फोल्ड, मेनी फोल्ड मतलब मल्टीपल चीजें हैं जिनका उनपे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगी क्योंकि आगे यही बात डिटेल में बोली गई है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए 4.3 में ही आपको फिनोमेना ऑफ सोशल रियलिटी बताया हुआ है, आई होप आपने ये समझ लिया, बुक से भी पढ़ लिया या फिर अपने पास शॉर्ट में लिख लिया।
नेक्स्ट 4.4 जो बुक का है आपका, तो 4.4 इज अबाउट एवरीडे सोशल रियलिटी, ठीक है। 4.4 जो है, अब देखिए सिर्फ वीडियो देखने वाले का ऐसा नहीं है बस देख के आप लोग चले जाएंगे, जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि वेदर यू वॉन्ट दीज काइंड ऑफ वीडियोज और नॉट, और समझ में आ रहा है या नहीं, बिकॉज एफर्ट करने जा रहे हैं गाइस, प्लीज ट्रस्ट मी, आसान नहीं होता है। जिस भी तरीके से जो भी है, आई एम ट्राइंग कि मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, जैसा भी सोर्सेज अवेलेबल है, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूज कि ये नहीं है वो नहीं है, इतना पैसा मैं नहीं लगाऊंगी और ये नहीं करूंगी, टाइम नहीं मिल पाता है, आई एम ट्राइंग कि मैं जस्टिफाई कर सकूं इस चीज के साथ, बट प्लीज यू गाइज हैव टू सपोर्ट मी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको, आप भी नोटिस करेंगे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं हो पाता है मुझसे, बट यू गाइज नो इट वेरी वेल बिकॉज ऑफ एमए के स्टूडेंट हो, कि हाउ द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब वर्क, कि यूट्यूब की एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, जितना आप देखोगे आप देख के चले जा रहे हो, लाइक या कमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। तो आप एक मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज मॉनेटरी बेनिफिट ट्रस्ट में यूट्यूब से बिल्कुल नहीं है गाइज, वो एक बहुत यहां पहुंच जाओगे तब वो मॉनेटरी आता है, ठीक है। अदरवाइज यहां तक वाले चैनल में मॉनेटरी कुछ ऐसा है नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 की, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो हमें 1 रुपीज ही मिल रहा है सर इन रिटर्न, अगर मॉनेटरी की बात की जाए तो। इतना अगर मैं बाहर जाके पढ़ाऊंगी ना, फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन क्लासेस में, तो इतना पैसा मिल सकता है। लेकिन ये ना मतलब एक मन में था कि ये करना है लाइक यूट्यूब पे, और फिर बहुत सारे पॉजिटिव जो बच्चों के कमेंट मिलते हैं ना, वो 2, 4, 5, 10, 15, 20 कमेंट पढ़ के दिल बहुत खुश हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, और धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो हो सकता है हम ये चीजें कंप्लीट भी कर पाए और एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाए। कोई बात नहीं, चलिए आगे बात करते हैं एवरीडे सोशल रियलिटी। अब अगेन जो भी बोला बात वही की गई है यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपकी सारी चीजें होती हैं, जो अप्रोचेस हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस पे बेस होना चाहिए आपका जो बेसिक स्टडी है वो। नाउ व्हाट इज दिस, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जब फिनोमेनोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब आप स्टडी कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। क्या कहते हैं कि पर्सन अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, इसको होश नहीं है। कॉन्शियस मतलब क्या होता है, आप होश में हो, बिल्कुल अपने होशो आवास में आप चीजें समझ रहे हो, सुन रहे हो। मैंने आपको बोला था अगर ऐसा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, आप बिल्कुल होश में थे, आपने सुनी थी मेरी बात, रिस्पॉन्स भी करा था, फिर भी आपने वो एक्ट करा, देन आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप कॉन्शियस थे ना, राइट। तो फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस भी यही होता है कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज को कॉन्शियस माइंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कोई चीज फ्रेम कर रहे हो। लाइक किसी ने आपसे कह दिया कि यार ये चीज तो बड़ी बेकार होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कह दिया कि आप नए नए शिफ्ट हुए हो, और किसी ने आपसे बोल दिया, आपके नेबर ने आपको इन्वाइट करा अपने फंक्शन के लिए, किसी ने बोल दिया मत जाओ यार वो बहुत रूड है, बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है, और ये है वो है, लेकिन आपने सुनने के बजाय यू योरसेल्फ गो, आप खुद गए हो, आपने जाके चीजें ऑब्जर्व करी है, आपने खुद एक्सपीरियंस लिया है, देन यू मेक योर ओन परसेप्शन और व्यूज रिगार्डिंग दैट पर्सन। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था, मैं कोशिश कर रही हूँ बेसिक एग्जाम्पल समझाऊं, हाई लेवल के एग्जाम्पल इन द फर्दर स्टडीज आगे कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये था डायरेक्ट एक्सपीरियंस, दिस वर्ड इज फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस, ओके। तो एवरीडे सोशल रियलिटी जो होती है वो इस एनालिसिस पे बेस होती है, जो आप अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे हो, क्लियर। अब यहाँ पे इससे होता क्या है, इससे आप एक डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक वर्ड यूज हुआ है बुक में कि आप डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों की स्टडी कर पाते हो, वो एक डिस्क्रिप्टिव मेथड कह सकते हो, जब आप कॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कर रहे हो, सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड इज व्हाट, अगर डिस्क्रिप्टिव एक रिसर्च का भी टाइप होता है आप देखे तो ये आपके हाउ, वेयर, व्हेन, वॉट इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर करता है, हाँ, बट वाई का आंसर नहीं करता है, कोई चीज क्यों हो रही है ये आंसर नहीं करता, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, हुआ क्या है, इस तरीके के आंसर ये आपको समझने में हेल्प करता है अगर आप फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हो तो। और यही चीज से आपको ये पता चलता है कि ज्यादा या कम, बहुत मतलब ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग जो होता है ना उस पे मल्टीपल रियलिटीज का, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, फर्क पड़ता है, देखो किसी पे ज्यादा पड़ता है किसी पे कम पड़ता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे फादर किसी कंपनी के जो है वो डायरेक्टर है, मुझे मैंने बाद में वही कंपनी एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करी, मैं डायरेक्टर नहीं बनी, ठीक है, मैंने एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करी, तो वहां पे हमारा बॉस और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन था,
व्हाटएवर जो मीटिंग होती थी, जिस तरीके से चीजें होती थी, हम वही काम कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशन में है, घर जाके वी आर एट द मोड कि हम किसमें है, हम एक रिलेशनशिप में है जो एक फादर डॉटर का रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया हुआ, वहां पे मैच हुआ, वो मेरे कॉम्पिटिटर थे, तो वहां पे हम तो कॉम्पिटिटर बने. तो एक चीज मल्टीपल रोल थे और मल्टीपल रियालिटीज थी, ठीक है, मल्टीपल रोल थे एंड मल्टीपल रियालिटीज थी. अब किसी ने मुझे कॉम्पिटिटर के फॉर्म में देखा तो वो लोग कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल पक्के दुश्मन मालूम पड़ते हैं. तो यहां से उन्होंने वो परसेप्शन बना लिया. वही बाहर निकलते ही हम लोग साथ में घर आए, हमने चिल करा, हम लोग साथ में बाहर डिनर करते हुए आए, फादर एंड डॉटर. और वहीं पे कोई मुझे देखेगा तो दे विल परसीव कि यार इन फादर डॉटर का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो वही चीज वहां और वहां में रोल बदल गया एंड मल्टीपल रियालिटीज हो गई. हाँ, किसी किसी पे बहुत ज्यादा इन रियालिटीज का इम्पैक्ट पड़ता है, किसी किसी पे कम, बट इन्फ्लुएंस पड़ता है. ये जो मल्टीपल रोल प्ले किए जाते हैं, मल्टीपल फंक्शन, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है ना कोई चीज, ऑब्जेक्टिफिकेशन के बेसिस पे भी हो सकती है, तो उसका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है. दिस इज द थिंग दैट यहाँ पे बोली गई है. और ये चीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती है. समटाइम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज का अपना प्लान बना कि यार आज पार्टी करनी है, हमने एक डील क्रैक करी है, तो वी विल ऑल गो आउट, हम लेट नाइट पार्टी करेंगे. बट वहां पे वो एम्प्लॉयर थे लेकिन उनका फादर वाला रोल जाग गया कि नहीं आपको नहीं जाना है, राइट, या नहीं इतनी लेट तक नहीं जाना है. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो जो रिलेशन था वो दूसरे रिलेशन ने उस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट डाला. तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, जो रिलेटेड होते हैं ज्यादा या कम किसी भी तरीके से, दे विल इन्फ्लुएंस ईच अदर. उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके. और अगर कोई नई पर्सन सोसाइटी को एंटर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी थी जिसमें ये एम्प्लॉय थी, बहुत सारे एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक ये नए से ही बहुत सारे एम्प्लॉय है कंपनी में ऑलरेडी, हमारी टीम बनी हुई है और अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग है भाई, बहुत टाइम से टीम बनी हुई है, तो हम एक एज अ टीम की तरह काम कर रहे हैं. अब ये नए पर्सन इनको ज्वाइन करके भेज दिया गया कि भाई आप इस टीम में हो, तो ये जो न्यू एंट्रेंट होता है ये धीरे धीरे फाइंड करता है कि ये किस प्लेस पे से बिलोंग करता है, ये किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है. तो इनके ट्रेट्स को ऑब्जर्व करके ये पर्सन ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे ये कोशिश करता है, ठीक है, कि इनका जो है वो सोशल ऑर्डर सोसाइटी, देखो यहाँ पे सोसाइटी क्या है, एक कंपनी का एक ग्रुप, सोसाइटी एक ग्रुप हो गया ना यहाँ पे, सोसाइटी एज अ पूरी कंट्री या पूरे नेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सोसाइटी इनके लिए एक ग्रुप हो गई. तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इधर इनकी रैंक क्या है, इनका क्या सोशल ऑर्डर है, इनकी क्या पोजीशन है जो न्यू एंट्रेंट है. तो एवरी न्यू एंट्रेंट इन द सोसाइटी, एक फैमिली में कोई बच्चा जन्म ले, किसी ग्रुप में कोई ज्वाइन करे, किसी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट नया आए, किसी कंट्री में कोई सिटीजन नया आए, तो ये सब लोग अपनी पोजीशन और सोशल ऑर्डर जानने की कोशिश करते हैं. क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉमन सेंसिकल नॉलेज के बेसिस पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं जिससे हम लिंक एस्टैब्लिश कर पाए. और प्लस इसमें आप क्या करते हो, एक इंक्वायरी करते हो जिससे कि थोड़ा कंपैरिजन और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग कर पाओ. तो यहाँ पे क्या बोला कि थोड़ी डिफिकल्टी आती है समटाइम. देखो बर्गर एंड लिपमैन ने बोला कि यहाँ पे कई बार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है. और यहाँ पे अगर आप बॉक्स में देखोगे ना, बॉक्स 4.1 में एक वर्ड लिखा है, इंडेक्सिकल कंस्ट्रक्शन. ये बॉक्स में लिखा हुआ है वर्ड. तो व्हाट इज इंडेक्सिकल कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो आपको ये देखना है. देखो इंडेक्सिकल कंस्ट्रक्शन, इंडेक्सैलिटी का वर्ड अगर हम सोशियोलॉजी में बात करें तो इंडेक्सैलिटी होता है वो चीज जो किसी कंटेक्स्ट में कही जाए, किसी बेसिस पे बोली है. जैसे हमने जनरली कोई स्टेटमेंट बोल दू से पैर के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ थोड़ा समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा. जैसे मैंने अगर बोला मिठाई, बस मैंने रैंडमली एक वर्ड बोल दिया मिठाई, कोई मतलब था इस वर्ड का, कोई सेंस, कोई लॉजिक, आप कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे. बात चल रही है, हम फॉर एग्जाम्पल भी आर सिटिंग इन अ ग्रुप, हमारा ग्रुप है, हमारी कुछ बात चल रही है, बिजनेस की कोई बात चल रही है, और मैंने जस्ट कोई डिस्कशन के बीच में रैंडमली बोल दिया गुलाब जामुन, अब बोल के चुप हो गए, या मिठाई कुछ भी बोल के चुप हो गए, तो उस वर्ड का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं था, बात बिजनेस डील की चल रही है, आप यहाँ गुलाब जामुन बोल के चुप हो गए, राइट. या तो आप लिंक करो उस चीज को. फॉर एग्जाम्पल हमारी मीटिंग में बात चल रही थी कैलकटा की, थी कैलकटा से सेल ज्यादा हुई, कम हुई, ये हुई, तो कैलकटा से मेरे माइंड में आया रसगुल्ला, राइट. रसगुल्ला वहां पे आप क्लियर करो कि कैलकटा बोला तो रसगुल्ला माइंड में आया, तो बताओ कि यार जब मैं कैलकटा गई थी तो मैंने बहुत टेस्टी उस शॉप पे वहां पे रसगुल्ला खाया था, और अब तो ये सुन के मेरा खाने का मन भी हो गया है. तो दिस इज द कंटेक्स्ट.
कैलकटा वर्ड से वो रसगुल्ला दिमाग में आया और आपका खाने का मन हुआ, तो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस टॉक। अदरवाइज रसगुल्ला बोल दोगे बैठे रहोगे तो उसको कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इंडेक्सैलिटी में वो सारी चीजें जाती हैं जो ऑलवेज किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती हैं, विदाउट कॉन्टेक्स्ट वो चीजें यूज नहीं की जाती हैं। तो आप लिख भी सकते हो इंडेक्सिकल, जो इंडेक्सैलिटी होती है वो ऐसे वर्ड और एक्सप्रेशन होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट विच इट इज यूज, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज की गई। और है मिठाई क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग है मिठाई का प्रॉपर, ठीक है, तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आपने यूज किया उस बेसिस पे उसका मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे वर्ड है जिनका सोशियोलॉजी में कुछ डिफरेंट मीनिंग निकलेगा, साइंस में यूज करो मैथ्स में यूज करो तो डिफरेंट मीनिंग निकल सकता है। तो आप मुझे बताओ तो सही, आप किस बारे में किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हो, क्लियर। तो दिस इज इंडेक्सिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो पूरा जो बताया गया कि सोशल वर्ड है, इट इज फुल ऑफ इंडेक्सैलिटीज, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि आप देखते ही नहीं हो कि इसमें किस कंटेक्स्ट में हम लोग जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेयरली इस चीज को क्वेश्चन करा जाता है कि कब ये चीज हुई है, क्यों हुई है, तो मतलब आप क्वेश्चन रेज ही नहीं करते, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये चीज हो गई इंडेक्सिकल कंस्ट्रक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा इंडेक्सैलिटी का कंसेप्ट। और यहीं पे आगे क्या बोला है कि हम इसीलिए सोशल कंस्ट्रक्शन को जब भी समझने की कोशिश करते हैं, इस रियलिटी को जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वन मोर थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम स्ट्रक्चर। वी कैन नॉट इग्नोर द टाइम ऑफ समथिंग। टाइम स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं टेम्पोरल स्टडी, स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड जब वो चीज हुई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोविड टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था या कोविड टाइम में जो कंट्री की इकोनॉमी थी, आप उसको नॉर्मल टाइम से अगर कंपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल 2026 में आप स्टडी कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो उसको 2020 वाली एरा से कंपेयर कर रहे हो, तो यार ऑब्वियस बात है डिफरेंस आएगा। उस ईयर में ले रहे हो जिस समय पे ग्लोबल एक पेंडेमिक फैला हुआ था, हमारी कंट्री नहीं सभी सफर कर रहे थे, तो वो तो कंपेरिजन का बेसिस ही नहीं रहा ना। तो दैट्स वाई जब भी आप कोई चीज स्टडी कर रहे हो तो वो किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो वो भी। अब एक पर्सन बहुत हर बार वो पर्सन क्लास में टॉप कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस साल उसके नंबर नहीं आए, आपने जजमेंट बना दी कि वो बिल्कुल जो बच्चा है आपने विदाउट इवन चेकिंग द बैकग्राउंड कुछ भी नहीं चेक करा, आपने बोल दिया कि यार ये तो नालायक बच्चा है, नंबर ही नहीं आए, बहुत मार्जिन में पास हुआ है, लेकिन आपने उस टाइम फ्रेम को नहीं स्टडी करा कि यार इस टाइम फ्रेम में बच्चे के घर में सब बीमार थे, इसकी प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चा खुद बीमार हो गया था, तो आपने वो टेम्पोरल स्टडी जो थी, टेम्पोरल टाइम स्ट्रक्चर वाला फैक्टर था, वो जाने बिना एक रियलिटी फ्रेम कर ली, विच इज नॉट गुड। तो व्हेनेवर हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, मतलब कोई रियलिटी फ्रेम करते हैं, सेट करते हैं सोशल रियलिटी, तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम की स्टडी करना, टाइम स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। प्लस हमें क्या देखना है, हमें देखना होता है कि ह्यूमन बींग जो है वो जब सोसाइटी से फेस टू फेस इंटरैक्ट करेगा, सेल्फ वर्सेस यहाँ पे सोशल, मतलब सोसाइटी से एक पर्सन जब फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, ऑब्वियस बात है यार, कई बार आप कोविड में जब ऑनलाइन पढ़ रहे थे ना, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आ रही थी चीजें, क्लियर नहीं हो रही थी, सामने बैठ के कोई टीचर पढ़ा दे नहीं मैनेज हो पा रही थी चीजें, चलो एमए वाले स्टूडेंट आपने ऑनलाइन लिया, आपको आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन पढ़ने की, बट जो स्कूल में स्टूडेंट थे उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया था। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन का एक इंपैक्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है और आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हो और अपना बिहेवियर ऑब्जर्व कर पाते हो, तो पता चल पाता है कि कितनी सिमिलैरिटीज है, या फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्रुप एंड आई एम द पर्सन इंडिविजुअल, तो मैं कितना इससे सिमिलर हूं और कितना मैं डिससिमिलर हूं, वो चीज थोड़ा ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करने में क्लैरिटी मिलती है। आई होप समझ में आया होगा। 4.3 फिनोमेना ऑफ सोशल रियलिटी एंड 4.4 एवरीडे सोशल रियलिटी हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर 4.5 एंड 4.6। आप छोटे बच्चे नहीं हो, नोट्स सुन के खुद बनाओगे, बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कम टाइम लगेगा, इतना डिटेल में समझा दिया है ना कि अब बुक पढ़ोगे तो 5 मिनट से कम में ये दोनों पूरा जो दो पेज है आपके पूरे पूरे पैराग्राफ है आप पढ़ लोगे। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो बेनिफिशियल लग रही है। 5-6 वीडियो तक मैं वेट करूंगी, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला बच्चों का और सपोर्ट तो क्या मिलेगा, सपोर्ट तो रिस्पॉन्स से ही मिलता है ना आपका, तो इफ आई गेट दैट देन ओनली आई मेक द फर्दर वीडियोस, अदरवाइज ये सिलसिला हमें यहाँ रोकना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आंसर बनाते हैं सिर्फ वही बनाएंगे और फिर कभी कभी मुलाकात होगी, तो अगर डेली मुलाकात चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ये मुझे बोलना ना पड़ा करे हर वीडियो में, एंड ट्राई टू कमेंट दैट, शेयर मत करो यार किसी को भी फैमिली ग्रुप और इस पे, उनको सोशियोलॉजी से कोई नाता नहीं है, तो इनकेस किसी ऐसे को जानते हो जिसका नाता है सोशियोलॉजी से सिर्फ उसे ये वीडियो शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।